जब स्वयं की ओर से सर्वश्रेष्ठ देने का समय सामने हो तो व्यक्ति भूतकाल की घटनाओं में उलझकर चलने से बचे, भावी भविष्य के संशय के साथ भी खुद को जोड़ने से बचे और वर्तमान पर पूर्णतया केंद्रित हो जाए तो जीवन एक अलग ऊष्मा के साथ में होता है। यहाँ धनु राशि के महानुभावों के लिए जो पराक्रम भावस्थ शनिदेव मध्यान्ह प्राप्त कर रहे हैं और 29 जून 2024 से वक्री हो जाएंगे, चेष्टा बल को प्राप्त करने वाले होंगे, तो अलग ताकत के साथ में निरंतर तौर पर इस जीवन यात्रा को आपके लिए गतिमान भी करते चले जाएंगे। इसी क्रमबद्ध सिरे में यहाँ इन 30 दिनों में कौन कौन से परिवर्तन संकेतों के माध्यम से सामने हैं, हम किस तरह से कर्मशील हों और कहाँ स्वयं को थोड़ा सा रोक कर चलें, ये सारी चर्चाएं आपके समक्ष। यह आप गौर करेंगे कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भले ही षष्ठ भाव में हो, प्रथम त्रिक भाव में हो, सम राशि स्थान में हो, परंतु दैत्य गुरु के भावस्थ कर्म के साथ में है। निर्णायक मौकों के ऊपर जो आपको अपनी बात रखनी होती है उसमें ठहराव लेकर चलिएगा। अगले के मंतव्य को जानना, स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयत्न करना, ये सबसे अधिक आवश्यक रहेगा। तो वहीं पर इंडिसाइसिव जहां पर भी आप हैं वहां रुक जाना इस महीने ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। हालांकि जो एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रपोशन है, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, आपका श्रेष्ठतम मांग रहा है और उसी श्रेष्ठतम के साथ में श्रेष्ठता आपको प्रदान भी करने जा रहा है, उस एक अवस्था के साथ में आप चलिएगा। कहीं पर भी कोई भी ऑफर आपके सामने आया, वो छोटी सी एक भूल की वजह से निकल गया, छोटी सी गलती भारी पड़ गई, उन सारी ही अवस्थाओं में स्वयं को नकारात्मक करने से बचना है। भीतर की स्थिरवादिता को निरंतर तौर पर बढ़ाने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस बात की स्पष्टता रखें कि कार्यों में अपेक्षित विलंब हो सकता है और जब विलंब अपेक्षित होता है तो मन को कहीं भी संकुचित रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक प्रवृत्ति अपने साथ आप रखें। गौर करें कि जो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति के भावस्थ क्रम के साथ में सूर्य शुक्र और बुध का दृष्टि संबंध अंतराल दर अंतराल बना रहेगा, आपके साथ में जो आर्थिक पक्ष की गतिविधियाँ लंबे सिरे के लिए जुड़ी होती है उसमें बेहतर निर्णय समक्ष आते हुए कहे जाएंगे। जॉब में जो टेंशंस यहाँ इंटेंसिटी के साथ में आ रही थी, कोई ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा स्थान परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा कि हमारे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं बचे और जॉब छोड़ने की तरफ जाना पड़े, ऐसी स्थितियां यहाँ पर नज़र नहीं आती है। परंतु हल्के फुल्के समझौतों के लिए आप इस यात्रा में खुद को तत्पर गति से तैयार करके रखने का प्रयत्न जरूर करें, ये निवेदन है आपसे। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो गौर करें कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो पराक्रम भावस्थ क्रम में मूल त्रिकोण अवस्थाओं के साथ में रहने वाले होंगे, तो ऐसे अवस्थित सिरे के साथ में एक बात स्मृतियों में रखिएगा कि धनागमन के साथ में पराक्रम बढ़ रहा है। जो ये 1 से 29 जून 2024 तक का समय सिरा है, आपकी वाक पटुता के साथ में भी स्पष्टता देने वाला हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को, परंतु अपने कारकत्व प्राप्त भाव को देखने वाले होंगे। प्रथम भाव के अधिपति गए षष्ठ, परंतु पुनः ऊर्जावान स्थितियों के साथ में अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए वाणी में सौम्यता देने वाले होते हैं और रिएक्शन लेस जो वर्किंग प्रोसेस निकल कर आता है वो आपके समक्ष रहने वाला होगा। पारिवारिक जनों के भीतर भी आप यहाँ सामंजस्य की अवस्थाओं को निर्मित कर रहे हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति के बुलावे और भटकाव में आने से बचिएगा। उसने कहा कि ये कार्य आपके साथ में जोड़ कर देखते हैं, आप यहाँ रुपया पैसा लगा दीजिए, मेहनत की पूंजी को किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से जोड़ देना ठीक नहीं। ऐसी फैसिनेशन से और ऐसे अति विश्वास से स्वयं को आप दूरस्थ क्रम के साथ में रखिएगा। तो वही निवेदन है आपसे कि यहाँ आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं या फिर वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में जीवन को लगातार आगे लेकर चल रहे हैं, जहाँ से अर्थोपार्जन भी है और सामाजिक स्तर पर सम्मान भी है। यह समय अति व्यवस्थित अवस्थाओं के साथ में आपके लिए निरूपित होता हुआ कहा जा सकता है। वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। थर्ड हाउस के साथ में जो सैटर्न की अप्रोच है वो यहाँ पर एक अलग
कंसोलिडेटेड बेस के साथ में चल रही है। इसी वजह से कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, वहां आपके लिए श्रेणीबद्ध स्तर के ऊपर बेहतर संकेत प्राप्त होते चले जा रहे हैं। यात्राएं निरंतर प्रवाह के साथ में जीवन को नव ऊष्मा प्रदत्त कर रही है और वहीं से आप अपने लिए किसी भी रुकावट एवं बाधा को दूर दूर तक भी यहाँ देखने वाले नहीं होंगे। इस समय में भाइयों और दोस्तों के साथ में समय संबंधों की अवस्था में एक अलग जुड़ाव नजर आता है, एक अलग प्रवृत्ति नजर आती है, जहां से आप अपनी संकुचित अवस्थाओं को हटाकर निरंतर तौर पर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये मूल मंत्र भी अपने साथ आप प्रवाहित करके जरूर रखिएगा। इस समय के अंतराल क्रम के साथ में गौर करें कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है, उसमें नितांत ऊर्जा के स्तर को आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय के प्रभावी क्रम के साथ में चलते हुए कहीं ना कहीं आपके साथ में पैसिव इनकम सोर्सेस की अप्रोच भी एक माइन्यूट इंडिकेशन के साथ में आ सकती है। बस वहीं से स्वयं को आप जोड़ते चले जाएं। भाग्य का सहयोग है क्योंकि शनिदेव की स्थितियां यहाँ काफी हद तक प्रगाढ़ गति के साथ में आपको सहयोग देती चली जा रही है, जहां से कोई भी और नकारात्मकता निक्षेपित नहीं। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो सब कुछ एक सिरे में लय ताल में होने के बावजूद भी जो प्रथम भाव के अधिपति का षष्ठ भाव में होना है और चतुर्थ भाव में राहु का होना है, इस बात को प्रदर्शित करता चला जाता है कि बेसलेस फियर आपके सामने रह सकते हैं। जो मुद्दा है ही नहीं, उसको स्वयं के भीतर से ही मुद्दा बना रहे हैं, पशुपेश में आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस के एक्युमुलेशन में खुद को लेकर आ रहे हैं और एक तरह से नेगेटिव बेसिस को प्रिपेयर करते चले जा रहे हैं। ऐसी सारी ही अवस्थाओं से हटकर चलने की आवश्यकता निरंतर तौर पर आपके लिए रहने वाली होगी और उसी प्रभावी स्तर को आप अपने साथ में लगातार रखिएगा। हालांकि किसी भी तरीके के रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजन में जितना आप धीमा रहेंगे उतना अच्छा, किसी भी तरीके के मेजर लेवल के फाइनेंशियल बर्डन को इस महीने आपको धीमेपन के साथ रखना चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं। इसके उलट कोई भी जमीन आपके साथ है और आप आर्थिक भार कम करना चाहते हैं, कई बार लोग शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं और उसके साथ में बढ़ना चाहते हैं, जबरदस्ती के तनाव के साथ में नहीं रहना चाहते, उनके लिए ये समय उस लिहाज से अत्यधिक बेहतर। तो वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। विदेश में जो कंफर्ट बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ से राहु अष्टम दशम और द्वादश को निरंतर देखने वाले होंगे। अब चर्चा करते हैं पंचम भाव की। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में ये समय बड़े निर्णय का है, तीव्रगामिता के साथ में चलने का है। पंचमेश मंगल पंचम भावस्थ क्रम के साथ में पूरी पूरी ऊर्जा के प्रभावी क्रम को निर्मित करते हुए चल रहे हैं। इसी वजह से जो यहाँ द्वितीय त्रिकोण के साथ में आपकी अवस्था गतिमान रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ में रुकावट बाधा नहीं है। जो यहाँ पर शनिदेव का दृष्टि संबंध तीसरे दृष्टि के आधार पर पंचम भाव के साथ में जुड़ा रहेगा, कहने को नीच भाव के साथ में और नीचस्त राशि स्थान के साथ में का दृष्टि संबंध, परंतु यहां पर आपके लिए आर्थिक प्रयोजनों में काफी हद तक स्टॉक मार्केट के साथ में पॉजिटिविटी आ सकती है, परंतु संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के वैचारिक विद्रोह को अपने साथ रख पर चलने से बचिएगा। ये हम पंचम भाव के साथ में निवेदन करना चाहेंगे। इसी समय के प्रभावी क्रम के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए कहीं ना कहीं जो संबंधों के साथ में तीक्ष्णता और तीव्रता होती है वो महसूस होने वाली रहेगी। आप बड़े ही निश्चिंत थे कि आगे जाकर निर्णय लेंगे इस संबंध के बारे में, परंतु अगले ने हाथों हाथ की स्थितियों के साथ में बता दिया कि आप निर्णय बताइए। ऐसे में व्यक्ति पशुपेश अनुभव करता है संबंधों में, तो वहां पर थोड़ा सा रुकिएगा और उसके बाद में ही अपने निर्णय की अवस्थाओं को आगे बढ़ाने का किंचित प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसी समय के साथ में जो महानुभाव मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में स्पेसिफिक नोट पर अपने लिए कुछ मेजर डेवलपमेंट्स चाहते हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ बनी रहने वाली रहेगी। सिक्स हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो यहाँ शुरुआती तौर पर 14-15 दिनों के लिए सूर्यदेव की जो स्थितियाँ षष्ठ भाव में रहेंगे, शुक्र बुध का भी आधार कुछ समय के लिए षष्ठ भाव के साथ में रहने वाला होगा, तो जो मधुमेह है, थायराइड है, अस्थि संबंधित विकारों से घिरे हुए महानुभाव हैं, वो विशेष तौर पर ख्याल रखें। 14-15 जून के बाद से आपके लिए काफ़ी हद तक सहूलियत के क्रम स्वास्थ्य में निकल कर आ सकते हैं।
परंतु डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टेंसी के साथ में डिस्टर्ब कर सकता है। इसी वजह से खान पान हम कितना नियंत्रित अवस्था में लेकर चल रहे हैं ये अपने साथ में आप जरूर जोड़िएगा। बदलते हुए मौसम के साथ में खान पान कैसे बदले, ये मूल मंत्र भीतर तक रखने की आपको पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं पर आर्थिक भार को कम करने के रास्तों को अपने साथ में देखिएगा। 1 से 12 जून तक जब तक शुक्र की यात्रा स्वराशि स्थान में है, हम किसी भी तरीके के तीव्र निर्णय को अपने साथ रखकर चलने से बचें। हम ऐसे खर्चों से दूर रहें जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, परंतु जबरदस्ती हम उस ओर जा रहे हैं। शत्रु पक्ष हावी नहीं, और जो भीतर का उन्माद कई बार नकारात्मकता के साथ में निकल कर आता है, उससे भी आप काफी हद तक स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग यहाँ आपके समक्ष बना रहने वाला होगा। इसी वजह से कमीशन संबंधी कामकाज में एटमोस्ट बेटरमेंट के मेजर्स आपके साथ में कंसिस्टेंसी से नजर आते हैं, ये एक बात है। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही सलाह जीवन यात्रा को नव परिवर्तन देने वाली हो सकती है। इस समय के विशेष स्तर पर गौर कीजिएगा कि साहसिक निर्णय के साथ में जो चलना होता है, देव गुरु बृहस्पति का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, परंतु सप्तम भाव सक्रिय है। इसी वजह से हम अपने भीतर की तीव्रता को लेकर चलते हुए जिस निर्णय के प्रभावी क्रम को जीवन यात्रा में लेकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी सुगंध आप यहां महसूस करने वाले रहेंगे। और यही वो अंतराल है जहां पर आप बेसलेस फियर जैसे अप्रोच से खुद को पूर्णतया दूर करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जहां आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, वहां रुक जाना अति उत्तम। रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में मुख्य धारा के परिवर्तन आपके समक्ष हैं। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो विदेश संबंधी गतिविधियों में जो आपके लिए निरंतरता बनी हुई थी, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स जो अभी किसी भी सिरे के साथ में सामने नहीं है, जबरदस्ती मन में उसके बारे में विचार किया, सोचा और खुद को अव्यवस्थित कर दिया, ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। केमिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी इंटेंस रिसर्च के साथ में आप चल रहे हैं तो पॉजिटिविटी है। तो वहीं किसी भी हायर एजुकेशन के नोट के साथ में आप स्वयं के नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर भी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ये भीतर तक बात आप अवस्थित करके जरूर चलिएगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के अधिपति का 3-11 का संबंध, इस बात की स्पष्टता आपके समक्ष रेखांकित करता चला जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति की प्रखरता आपके साथ में रहने वाली होंगी, परंतु जैसा भाग्य का सहयोग आप चाहते हैं उसमें एकदम इंस्टेंट अप्रोच के साथ में कमी रह सकती है, ये प्रभावी बात रखिएगा। सोलर संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में स्वयं की शुरुआत की तरफ आप अग्रगामी हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य विशेषक क्षेत्र जहां पर आपको त्वरित गति के निर्णय के साथ में बढ़ना होता है, ना थोड़ा सा धीमापन रखिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशन में जो फाइनेंसेस को लेकर दिक्कत आ रही थी, वहां आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस को भी अपने साथ में एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। इस महीने के अंतराल में 15 जून के पहले के समय के साथ में कुछ लोगों के द्वारा आपको संघर्ष की प्रदत्त अवस्थाएं दी जा सकती हैं, परंतु वहीं हम स्थिर हैं, बस यही बात दोहराते हुए चलिएगा। 10th हाउस के साथ में जो भी आपके लिए लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अटकी हुई स्थितियां थी, वहां सहूलियत के प्रदत्त क्रम आप अपने साथ में रखने की तैयारी में होंगे। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो बुध का 4-10 का संबंध 14-15 जून के बाद से बनने वाला होगा, वो आपके लिए मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को लेकर आता है। केतु जब भी दशम भावस्थ क्रम में हो तो व्यक्ति को आकस्मिक अवस्थाओं के साथ में निर्णय की प्रतिध्वनि देते हैं, इस निर्णय की तरफ जाओ अन्यथा क्या का क्या हो जाएगा, ऐसी गलतफहमियों से स्वयं को आप पूर्णतया
हटाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और इस गलत फहमी से दूर रहना आपके लिए अति आवश्यक क्रम है। 10th हाउस की ये रेजेंबलेंस आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर शुक्र सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए व्यापारिक जीवन के साथ जो लंबे सिरे के निर्णय हैं वो अत्यधिक सकारात्मक आपके लिए कहे जा सकते हैं। ये मूल प्रभावी क्रम अपने साथ आप अपना कर चलें। जो यहाँ आर्टिस्टिक फील्ड को रिलेट करती हुई अप्रोच है उसमें काफ़ी हद तक तीव्रगामिता आपके समक्ष बनी रहने वाली होगी। इस बात को भी आप अपने साथ रेखांकित करते हुए चलिएगा कि यहाँ पर जो कहीं भी रुपये पैसे को लेकर दिक्कत दुविधा किसी कार्य में आ रही थी, आकस्मिक निर्णय लेने से बचें, धीमेपन के साथ में चलिएगा। तो वहीं षष्ठात षष्ठ की स्थितियों के साथ में शुक्र है और शुरुआती तौर पर षष्ठ भाव में ही रहने वाले होंगे, इसलिए मधुमेह से संबंधित रोग में आप लंबे समय से परेशान रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में क्या पोजिशन अपनाई जा सकती है उसके रिफ्लेक्सेस को अपने साथ आप लेकर जरूर चलें। द्वादश भाव के साथ में यदि इस यात्रा को तय करते हैं तो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बने रहने वाले होंगे। इस समय के प्रभावी क्रम के साथ में चलते हुए आपकी ऊष्मा एवं ऊर्जा भी निरंतरता के गतिमान क्रम के साथ में अवस्थित है। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए विकल्प नए से नए सिरे में आने वाले होंगे, परंतु आप धीमापन रखिएगा। शनिदेव तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति, मंगल का दृष्टि संबंध द्वादश भाव के साथ में है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में लंबे सिरे से जो उलझन बनी हुई थी वो भी आप अपने लिए यहाँ हटाकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे, यानी कि उसकी संभावित क्रम की स्थितियां काफी हद तक आपके लिए सकारात्मक पक्ष को निर्मित करती चली जाती है। तो ये था धनुराशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि शह आभार।